मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोग ए की मात्रा पढ़े थे, आज हम ए की मात्रा। तो अपनी बुक में आप पेज नंबर 34 खोल लीजिए, ठीक है। ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा को बच्चों, ए की मात्रा को हम ए करके बोलते हैं और ए की मात्रा को ए करके बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ते हैं, जैसे म है तो माँ के ऊपर ए की मात्रा लगी है, इसको हम मैं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं ना। ठीक, प के ऊपर लगी है तो पै सा है ना, मैं दान, पैदल, शैतान, बैलगाड़ी। इसी तरह से बच्चों ए की मात्रा को पढ़ा जाता है। फिर इसमें हमारा देखिए छोटी सी कहानी है, कैलाश और मैना। कैलाश कौन है, जो नाव पे बैठा है, मैना एक लड़की है। कैलाश तैर कर नदी पार कर रहा है, शैलजा नदी की ओर जा रही है, मैना कैलाश के साथ सैर पर जाती है, ताल तलैया तैरे नया, उस पर बैठा मेरा भैया, चैन से बैठा गीत सुनाए, जैसे एक गवैया गाए। ये कौन गा रहा है, ये गा रही है शैलजा, ठीक है बच्चों। इसको आप जो शब्द है उसकी कॉपी में उसको जरूर से लिखिएगा, ठीक है। आगे हम अपना अभ्यास कार्य पूरा करते हैं, पेज नंबर 35, ठीक है। अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, पहले आपका है नंबर एक, ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। इसमें जो ये बॉक्स बना है, इसी बॉक्स में से आपको ए और ए की मात्रा वाले शब्द यहाँ से देखकर इसमें लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। पहला शब्द है चमेली, सहेली, ये हमारा ए की मात्रा के शब्द है। सेब, जलेबी, फिर इसके बाद नारियल, फिर रेल, फिर ए की मात्रा के शब्द लिखेंगे, ठीक है। मैदान, पैदल, फिर कैमरा, मैना, बीच में कॉमा लगा करके लिखेंगे, ठीक है, ताकि सारे सब अलग अलग हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। ये है ना दूसरा, तो ये जो चित्र बना है इन शब्दों, इनको देख करके शब्दों को पूरा करना है। पहला चित्र किसका है, सेब। तीसरा है भेड़। अब इसके बाद हम आगे का अभ्यास कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, सही शब्द छाट कर रिक्त स्थान भरिए। ये जो हमारा ऑप्शन दिया है, इसी में से सही शब्द को छाट कर इसमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। केरल में लगा, केरल में क्या लगा, मेला, मैला, मैला तो लगता नहीं है, इसलिए क्या लगा, मेला।
पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।